से पश्चिमी यूपी के, जब से क्योंकि आप लोगों को मालूम है यूपी में 7 चरणों में चुनाव हो रहा है जिसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी से हुई है, और जब से पश्चिमी यूपी के बारे में बीएसपी की दलितों व मुसलमानों की स्थिति को लेकर भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी ने एक अपने इंटरव्यू में जो एक सवाल जवाब में जो कुछ कहा है, तो तब से यहाँ मीडिया व विरोधी पार्टियों ने भी फिर से ये रागना शुरू कर दिया है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, और यदि बीएसपी बीजेपी की बी टीम होती तो फिर सपा ने यहाँ एक बार विधानसभा का व दूसरी बार लोकसभा का आम चुनाव बीएसपी के साथ मिलकर क्यों लड़ा था, इस बारे में मीडिया व सपा भी जनता को जरूर बताए। इतना ही नहीं बल्कि अपनी पारिवारिक व राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपसी रिश्तों व मेल मिलाप तथा संसद के भीतर देश व दुनिया के सामने जब श्री मुलायम सिंह यादव के भाजपा को जीत का आशीर्वाद देने आदि को थोड़ी देर के लिए भुला भी दिया जाए, तो भी खासकर श्री मुलायम सिंह यादव का सन 1977 में बीजेपी के साथ यूपी की सरकार में बने रहना तथा श्री कल्याण सिंह के साथ उनका गले मिलना तथा सन 2003 में मेरे सरकार छोड़ने के बाद बीजेपी के सहयोग से यूपी की सत्ता में अचानक आ जाना यहाँ के लोग कैसे भुला सकते हैं। इसके साथ साथ सपा की तरह ही कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ विधानसभा का आम चुनाव एक बार बीएसपी के साथ मिलकर क्यों लड़ा था, तथा केंद्र में भी अपनी सरकार के लिए कई बार बीएसपी का समर्थन क्यों लिया था, इस बारे में भी मीडिया व कांग्रेस पार्टी भी जनता को जरूर बताए, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि यदि इनका बीएसपी से स्वार्थ सिद्ध होता है तो बीएसपी बीजेपी की बी टीम नहीं है, और यदि नहीं होता है तो फिर ये लोग बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। ये सब इनकी घिनौनी राजनीति नहीं है तो और क्या है, ये सब कहना इनकी लोमड़ी की उस कहावत की तरह है कि अंगूर खट्टे हैं, जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।